हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, HTML में एनिमेशन कैसे बना सकते हैं आज की ये वीडियो इसी बात को लेकर के है। तो टेक्स्ट एनिमेशन बना करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं HTML के अंदर। तो कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को और आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। उसकी पूरी कोडिंग मैंने कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये होगा। ठीक, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ डॉक टाइप HTML से स्टार्ट किया है और यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया है जो इस बात का संकेत है कि इसमें CSS भी यूज किया गया है। और यहाँ डॉट एनिमेटेड टेक्स्ट किया है हमने और इसकी फॉन्ट साइज 48 पिक्सल रखी है और यहाँ पर 2S इनफाइनाइट चलेगा ये। और यहाँ पर तमाम चीजें इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है मैंने। फिर ओपेसिटी यानी कि कितना दिखेगा आगे का पीछे का बैकग्राउंड कितना दिखेगा। और फिर यहाँ लिखा गया वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। तो बस इतना ही किया गया, अब इसको सेव करने की बारी है। चलिए यहाँ पर चल करके इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो डेस्कटॉप पर any.html के नाम से सेव करेंगे इसको। ठीक है, तो ये कर दिया any.html और यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके इस तरीके से सेव कर दिया इसे। और सेव करने के बाद इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है ये। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से एनिमेट कर रहा है। ये यहाँ पर आकर के थोड़ा रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है, फिर चल रहा है। इसमें कुछ चेंजेस भी चाहे तो आप कर सकते हैं यहाँ पर जाकर के। और यहाँ पर देखेंगे जरा सा, यहाँ पर 2S इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो क्या इसे 3S किया जा सकता है, एक बार चेक करके देखते हैं 3S या 4S करने से क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ मैंने फिलहाल 4S कर दिया है। और 4S करने के बाद यहाँ से अब इसको चलाने की बारी है दोबारा से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक रहा है 4S करने से। देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टे ज्यादा कर रहा है, जबकि 3S था 2S था तो कम ये रुक रहा था। और इसी तरीके से और भी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ओपेसिटी 0 रखी गई है और यहाँ पर ट्रांसलेट वाई पिक्सल 50 पिक्सल रखा गया है और यहाँ पर ये इस तरीके से किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है ना, यहाँ पर फॉन्ट की साइज 48 पिक्सल है, फॉन्ट की साइज छोटी करना चाहते हैं तो यहाँ से 30 पिक्सल कर दीजिए, 20 पिक्सल कर दीजिए, जितना रखेंगे फॉन्ट की साइज उसी हिसाब से ये आएगा। तो आप देखिए आप फॉन्ट की साइज थोड़ी आपको छोटी मिलेगी, यहाँ पे देखिए फॉन्ट की साइज काफी ज्यादा छोटी हो गई, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कॉमेंट तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।